अब यूलिसिस अपने बेटे का इंट्रोडक्शन करवा रहा है। वो कहता है, जब मैं ट्रैवलिंग पे लिए चला जाऊंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, देन हु विल लुक आफ्टर माई स्टेट। वो इस स्टैंजा में बताएगा कि मेरे जाने के बाद मेरी स्टेट का ख्याल कौन रखेगा। तो वट ही इज टेलिंग अस इज, दिस इज माई सन, ये मेरा बेटा है, माई ओन टेलीमकस, मेरा अपना बेटा टेलीमकस, जिसका नाम टेलीमकस है। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं कि यूलिसिस के बेटे का क्या नाम है, तो आप इसे देख लीजिएगा कि उसके बेटे का नाम टेलीमकस है। टू होम आई लीव द स्केप्टर एंड द आइसलैंड, कहता है जिसे मैं छोड़ के जाऊंगा, जिसे मैं टू होम आई लीव, जिसको मैं छोड़ के जाऊंगा, द स्केप्टर महाफिज ऑफ द आइलैंड, इस आइलैंड का, कहता मैं तो ट्रेवलिंग के लिए चला जाऊंगा, लेकिन पीछे किसको अपनी जिम्मेदारी सौंप के जाऊंगा। तो वो बताता है कि मैं अपने बेटे को सौंप के जाऊंगा, जिसका नाम टेलीमकस है, वेल लव्ड ऑफ मी, मेरा बड़ा प्यारा है, डिसर्निंग टू फुलफिल दिस लेबर, वो उस काम को करने के लिए अहल है, बाय स्लो प्रूडेंस टू मेक माइल्ड आ रगेड पीपल। कहते हैं कि वो ये जो हैवान लोग हैं, ये जो बुरे लोग हैं इस स्टेट के, उनको वो बड़े आराम के साथ ठीक करेगा, उनकी इस्लाह करेगा, एंड एंड थ्रो सॉफ्ट डिग्री सब ड्यू डेम टू यूजफुल एंड द गुड, और उनको अच्छाई और भलाई की बड़ी नरमी से ताकीद करेगा। मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, मोस्ट ब्लेमलेस, उसके ऊपर आज तक कभी किसी ने इल्जाम नहीं लगाया, नो वन हैज एवर डेयर टू असेस हिज कैरेक्टर, और नो वन हैज रेज हिज फिंगर ऑन द कैरेक्टर ऑफ टेलीमकस। कहता है कि मोस्ट ब्लेमलेस इज ही, उसके कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं है, सेंटर इन द स्फेयर ऑफ कॉमन ड्यूटीज, सेंटर घिरा रहता है इन द स्फेयर, दायरे में ऑफ कॉमन ड्यूटीज, अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों के, कहता है अपनी रोजमर्रा की जिम्मेदारियों में वो घिरा रहता है, डिसेंट नॉट टू फेल, बहुत डिसेंट है, कभी नाकाम नहीं होगा, इन ऑफिस ऑफ टेंडरनेस, कहता है जब उसे मैं अपने ऑफिस के मूड देकर जाऊंगा, तो वो इतना डिसेंट है कि वो नाकाम नहीं होगा, एंड पे मीट अडोरेशन टू माई हाउस होल्ड गॉड्स, और जो मेरे हाउस होल्ड के गॉड हैं, वो उनके लिए भी सेक्रीफाइस करेगा, उनको भी अडोरेशन देगा, सेक्रीफाइस करेगा। When I am gone, जब मैं चला जाऊंगा, he work his work, वो अपना काम करेगा। कहता है कि जब मैं चला जाऊंगा तो वो अपना काम करेगा, एंड आई माइन, और मैं अपना काम करूंगा, मतलब मैं ट्रेवलिंग करूंगा, और वो जो पीछे स्टेट के अमूर हैं, जो स्टेट के इश्यूज हैं, वो उनको देखेगा। There lies the port, कहता वो रहा पोर्ट, द वेसल्स पफ हर सेल, कहते हैं वो सामने पोर्ट है जिसके वेसल्स जो हैं वो मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं, देयर ग्लूम द डार्क ब्रॉड सीज माई मरीनर्स, देयर ग्लूम, कहते हैं वहां पर रहा तरीक स्याह गहरा समुंदर, ब्रॉड खुला वसी, डार्क तारीक, ग्लूम धुंधला, कहते हैं वो रहा धुंधला तारीक और वास्ट ब्रॉड समुंदर सीज माई मेरीनर्स, और वो मेरे साथ समुंदर का सफर करने वाले, मेरीनर्स वो होते हैं जो मरीन्स पे जहाज पे समुंदर का सफर करते हैं, सोल्स डेट हैव टॉयल्ड एंड रोट एंड थॉट विद मी, कहता है ये सोल्स हैं, ये वो लोग हैं, वो सोल्स हैं डेट हैव टॉयल्ड, जिन्होंने मेरे साथ टॉयल्ड रोट एंड थॉट, जिन्होंने मेरे साथ सफर किया, मेरे साथ नए मकामात को खोजा, एंड थॉट, और मेरे साथ गौर व फिक्र किया, मीन्स दे आर द डाई हार्ट कंपेनियंस ऑफ माइन, दे रिमेन विद मी थ्रू ऑल माई किथ एंड किन, ये मेरे साथ रहे हर अच्छे और बुरे वक्त में, दे आर माई कंपेनियन इन अ रियल सेंस, ये अच्छे ट्रू स्पिरिट्स में, ट्रू सेंस में मेरे दोस्त हैं, डैट एवर विद द फ्रोलिक वेलकम टुक, डेट एवर विद अ फ्रॉलिक वेलकम टुक, जिन्होंने हमेशा फ्रॉलिक वेलकम वार्म हार्टेडली फ्राक दिली के साथ, खुश दिली के साथ, जिन्होंने हमेशा वेलकम किया किसको, थंडर सनशाइन एंड अपोज फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स, किसको वेलकम किया,
थंडर गरज को, सनशाइन सूरज के चमकने को, एंड अपोज फ्री हार्ट्स फ्री फॉरहेड्स। फ्री हार्ट्स खुले दिल के साथ, फ्री फॉरहेड्स खुले माथे के साथ। कहता जिन्होंने खुले हाथ और खुले माथे के साथ हर तूफान, हर सूरज, हर अच्छे या बुरे को वेलकम किया। यू एंड आई आर ओल्ड, अब मैं और तुम बूढ़े हो चुके हैं। ओल्ड एज हैथ येट हिज ऑनर एंड हिज टॉयल। कहता है कि ऑल्दो अगर हम बूढ़े हो चुके हैं, बट स्टिल वी हैव एबिलिटी टू अटेन आर ऑनर। अभी भी हम अपने ऑनर को अटेन कर सकते हैं, अपने ग्लोरी और हमारा ऑनर जो है उनको वापस ले सकते हैं। ऑल्दो बूढ़े हैं, लेकिन हमारा ऑनर, हमारी जो ग्लोरी है वो खत्म नहीं हुई। डेथ क्लोजेस ऑल, मौत सब खत्म कर देगी, बट समथिंग एयर द एंड सम वर्क ऑफ नोबल नोट। लेकिन सब कुछ खत्म नहीं होगा, बल्कि वो काम जो हम अच्छे की नीयत से करेंगे, जो हम अच्छे काम करेंगे, वो कभी उनका जो वो अच्छे काम क्या होंगे, दे विल बी एवर लास्टिंग, वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। मे येट बी डन, अभी कुछ अच्छे काम करने हैं। नॉट अनबिकमिंग मैन डेट स्ट्रोव विद गॉड। कहता है कि इंसानों के लिए हम गॉड्स के साथ भी लड़ पड़ेंगे। The lights began to twinkle from the rocks. Light begins to twinkle. वो देखो रोशनियां चमक रही हैं। From the rocks, चट्टानों से। The long days, day wanes. Long day, लंबा दिन, wanes, ढलने वाला है। The slow moon climbs. जो slow moon है, सुस्त चांद है, वो निकलने वाला है। The deep mounds round with many voices. जो समुंदर की लहरें हैं, मॉन्स, वो मातम कर रही हैं विद मैनी वॉइसेस, बहुत सी आवाजों के साथ, मतलब वो मुझे बुला रहे हैं। कम माई फ्रेंड्स, चलो मेरे दोस्तों, इट्स नॉट टू लेट, अभी ज्यादा देर नहीं हुई, टू सी का न्यूअर वर्ल्ड, नई दुनिया को खोजने के लिए। कहता अभी नई दुनिया को दरियाफत करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा देर नहीं हुई। पुश ऑफ, छोड़ो सब, एंड सिटिंग वेल इन ऑर्डर स्माइट, और मेरे साथ इस दुनिया में चलो। अब वो अपने दोस्तों को कह रहा है, अपने फ्रेंड्स को कह रहा है कि अभी ज़्यादा देर नहीं हुई, हमें हमारे जो जर्नी है, नेक्स्ट जर्नी है, वो हमें बुला रही है। सो चलें उस नई जर्नी में, उस नए सफ़र की तलाश में चलें। फॉर माई पर्पज होल्ड टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। फॉर माई पर्पज, मेरा मकसद है, होल्ड टू सेल बियॉन्ड द सनसेट, कि मैं सूरज का जो ढल रहा है, मैं उससे भी आगे चले जाऊं, मतलब जहाँ पे सनसेट हो रहा है, मैं उससे भी आगे चले जाऊं। एंड द बॉथ्स ऑफ ऑल वेस्टर्न स्टार्स, मैं वेस्टर्न स्टार्स के करीब चले जाऊं। अनटिल आई डाई, जब तक कि मैं मर ना जाऊं। कहता मेरा पर्पज ये है कि सामने सूरज ढल रहा है, मैं उससे भी आगे चले जाऊं। बाथ्स ऑफ ऑल द वेस्टर्न स्टार्स, मतलब जितना आगे हो सके मैं उतना आगे चला जाऊं। अनटिल आई डाई, जब तक कि मैं मर ना जाऊं। इट मे बी डैट गल्फ विल वॉश अस डाउन, हो सकता है कि जो समुंदर की लहरें हैं, गल्फ्स हैं, विल वॉश अस डाउन, वो हमें धो दें, या उसमें हम डूब जाएं, या हमारा जहाज समुंदर की लहरों में डूब जाए। इट मे बी वी शैल टच द हैप्पी आइसेस, और हम भी उस हैप्पी आइसेस में चले जाएं, हम लाइफ आफ्टर डेथ में चले जाएं, एंड सी द ग्रेट एक्लेस, और अपना ग्रेट एक्लेस जो फेमस वॉरियर था, हम उससे जाके मिले। होम वी न्यू, जिसे हम जानते थे। टू मच इज टेकन, मच अबाइड्स इन दो। टू मच इज टेकन, बहुत कुछ लिया जा चुका है, बहुत कुछ खत्म हो चुका है। मच अबाइड्स, लेकिन अभी भी काफी बाकी है। अब अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं कि ऑल्दो greater part of my life has come to its end, but still that is not an end, I still have life, mere paas abhi bhi zindagi hai, I still have life to enjoy the beauty of nature, mere paas fitrat ki khoobsurti ko enjoy karne ke liye abhi bhi time hai, I have time to explore the beauty of the world, mere paas duniya ki khoobsurti ko enjoy karne ke liye still mere paas waqt hai। We are not now that strength which in old days, हमारे पास वो ताकत नहीं रही जो पुराने दिनों में होती थी। अपने एज को, अपने एज के ढलने को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, पासिंग ऑफ एज को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं।
कहता है वी आर नॉट नाउ दैट स्ट्रेंथ विच इन ओल्ड एज, हमारे पास वो अब ताकत नहीं रही जो पुराने दिनों में होती थी। मूव्ड अर्थ एंड हेवंस, के हम आसमानों और जमीनों को हिला दें। दैट विच वी आर, लेकिन अब भी हम जो हैं वो हैं, आर इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट, हमारे दिलों में अभी भी वो गर्मजोशी बाकी है। मेड वीक बाय टाइम एंड फेयर, जिसे वक़्त ने और तकदीर ने कमज़ोर बना दिया है। बट स्ट्रांग इन विल, लेकिन हमारे इरादे मजबूत हैं। टू स्ट्राइव, कोशिश करने के, टू सीक, तलाश करने के, देखने के, टू फाइंड, तलाश करने के, एंड नॉट टू यील्ड, और कभी गिव अप ना करने के। कहते हैं कि ऑल्दो आई हैव गॉट ओल्ड, बट स्टिल आई हैव अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन इन माई सेल्फ, डिटर्मिनेशन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, डिटर्मिनेशन टू वर्क हार्डर फॉर गेटिंग सक्सेस, our determination to find the secret or hidden realities of life, and I still have ability to not to give up in my life. He said, although I have got old, but that is quite natural, because weakness jo hai, it happens with time and faith. It is determined same as our fate. Or and it a man gets old according to the time, so it is quite natural. But our wills are strong, our determination have a solid or firm determination to achieve each and everything that we desire in our life. तो ये है poem Ulysses, ये भी हमारी आज खत्म होती है। Still, if you have any question, तो आप पूछ सकते हैं। Thank you.